आज हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इसके उद्देश्य, भूमिका, प्रभाव, लक्ष्य और योजनाएं क्या क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। मैं गार्गी गुप्ता जीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। जो लोग वीडियो पे नए आए हैं, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान है क्या। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 2001 में शुरू किया गया था। एक भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसमें आर्थिक रूप से वंचित, जो फाइनेंशियली कमजोर बच्चे हैं, पृष्ठभूमि के बच्चों पर ध्यान दिया गया है। इसके उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना, यानी लड़के और लड़की में जो पेरेंट्स अंतर करते हैं या डिफरेंसेस होते हैं, आज हमारे समाज में लड़कियां और लड़कों में बहुत भेदभाव किया जाता है, तो इस चीज को खत्म करना जो है शिक्षा का उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, छात्रों की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक कल्याण सहित समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना सर्व शिक्षा अभियान का एक काम है या उद्देश्य है। SSA को कैसे लागू किया जाता है? SSA को केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच साझेदारी के माध्यम से लागू किया जाता है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को संभालने के लिए अलग से कार्यान्वयन एजेंसियां स्थापित की जाती हैं। ये एजेंसियां SSA के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करती हैं। पहले केंद्र सरकार SSA के लिए कार्य शुरू करती है, उसके बाद उसे राज्यों तक पहुंचाया जाता है और राज्य क्या करता है, राज्य जो बाकी के हितकारी एजेंसियां होती हैं, जैसे स्थानीय सरकारें हैं, गैर स्थानीय सरकारी संगठन हैं, उनके थ्रू और अन्य जो लोग उसमें काम करना चाहते हैं, उन सबके साथ मिलकर इस अभियान का कार्यान्वयन करते हैं या इस अभियान को चलाते हैं। SSA में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? केंद्र सरकार SSA के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, यानी वो पैसा प्रोवाइड कराती है कि राज्य को केंद्र सरकार पैसा देती है और जो भी टेक्निकल चीजों की उन्हें आवश्यकता होती है, तकनीकी सहायता जो भी उन्हें चाहिए होती है वो देती है। शिक्षण सहायक सामग्री है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, ये कमरे हैं, फर्नीचर है, ये सारी जी चीजें हैं ये केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। यह नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करता है, प्रगति की निगरानी करता है और पूरे देश में कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार प्रदान करती है। केंद्र सरकार का काम राज्यों को ये जिम्मेदारी सौंपना होता है। SSA शिक्षा तक पहुंच पर क्या प्रभाव पड़ता है? SSA ने शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिन लोगों को लिखना तक नहीं आता था, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चों के बीच नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यानी जो लोग बिल्कुल अंगूठा छाप होते हैं उनका नामांकन SSA द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद की है, जिससे अधिक बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिली है। SSA के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए उपाय क्या क्या उपाय किए गए हैं? जैसे योग्य शिक्षकों की भर्ती एवं उनका प्रशिक्षण, शिक्षकों को नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना, बाल सुलभ और समावेशी शैक्षणिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना।
स्कूल ना जाने वाले बच्चों की समस्या का समाधान कैसे किया? ऐसे से स्कूल ना जाने वाले बच्चों की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाता है। क्या क्या रणनीतियां हैं? घर घर सर्वेक्षण करता है, स्कूल ना जाने वाले बच्चों को का डाटाबेस बनाए रखना, वो बनाकर रखता है, एक डिटेल बनाकर रखता है कि कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ली जाती है। त्वरित सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय विद्यालय स्थापित करना, आवासीय विद्यालयों का की स्थापना भी उन बच्चों के लिए की गई है। माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान और सामुदायिक गतिशीलता अभियान चलाना। एसएससी के लक्ष्य क्या हैं? समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र स्थापित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनिंग, पहचान और मूल्यांकन करना, शिक्षकों के लिए सहायता और उपकरण, विशेष प्रशिक्षण और उनकी समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना, स्कूलों में बाधा मुक्त बुनियादी ढांचे और पहुंच सुनिश्चित करना। एसएसए सामुदायिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित करता है? एसएसए कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है। यह माता पिता, समुदाय के सदस्य और स्थानीय अधिकारियों को शामिल करते हुए स्कूल प्रबंध समितियों की के गठन को प्रोत्साहित करता है। एसएमसी स्कूल की गतिविधियों की निगरानी करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्कूलों के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएसए की भविष्य की योजनाएं क्या हैं? सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समावेशी और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एसएसए की पहलों का विस्तार और मजबूती जारी रखने की योजना बना रही है। सीखने के परिणामों में सुधार लाने, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को शामिल करने और शिक्षण प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से उत्पन्न जो चुनौतियों का समाधान करने और सभी बच्चों के लिए निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। तो यहाँ हमारा एसएसए कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी मेरी वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।